आज अक्कू की रसोई में बना है मशरूम पटाटो, जो खाने में बहुत लाजवाब बहुत टेस्टी होता है। इसे बच्चे तो बच्चे, बूढ़े जवान सब बड़े शौक से खाएंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए हम इसको फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ मैंने 3 आलू ले लिया, इन आलू को मैंने धो लिया है। इसके चलते फटाफट छिलका उतारते हैं। हमने सबके छिलके उतार लिए हैं, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको अब काट लेंगे। हम तीनों आलू को इसी तरीका छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि हमें कुकर में ओवर कुक नहीं करना है। इसमें हमें छोटे छोटे पीसेस को काटने हैं। और मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली थी, इसमें मैंने पानी रख रखा है गर्म होने के लिए। और हमारा पानी गर्म हो चुका है, और जो मैंने आलू काटा था उसको भी मैंने दोबारा से धो लिया था दो बार। अब मैं इसको चलती हूँ कढ़ाई में ऐड करती हूँ, डालती हूँ। और इसी तरीके से मैं सारे आलू को कढ़ाई में डाल दूँगी, और डालने के बाद इसको ढक दूँगी मैं इसको 10 मिनट के लिए। और हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं हमारे आलू पका है कि नहीं। और एक चम्मच के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे कि हमारे आलू अच्छे से उबले हैं कि नहीं। और हमने चम्मच ले लिया है और चेक करेंगे हाथ से। और देखिए दोस्तों, तो हमारा आलू अच्छे से पक चुका है। अब चलते हैं, इसको एक बर्तन में निकालूंगी मैं। और मैंने यहाँ थाली ले रखी है, मैं इस थाली में ही इन आलुओं को निकाल लूँगी। मैं थाली में इन आलुओं को निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद मैं इसको चम्मच से मैश कर रही हूँ। क्योंकि अगर चम्मच से धीरे धीरे मैश कर दो, आपके पास कोई भी मैश हो उसे आप मैश कर सकती हैं। और मैं हाथों से हमारे इसको देखूंगी कि अगर इसमें कोई गुठली तो नहीं है फिलहाल, और इसमें कोई गुठली नहीं है। अगर होगी भी तो हम और हम हाथ के जरिए आलू को देख लेंगे हमारे आलू में कोई गुठलियाँ तो नहीं रह गई हैं। और हाँ, मेरे पास एक लोटा है, मैं लोटे के जरिए इसको मैं मैश कर दूँगी। बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह। अगर आपके पास भी हो तो बिना कोई झंझट बिना किसी परेशानी से लोटे को घुमाइए, और आपका आलू अच्छे से मैश हो जाएगा, एकदम स्मूथ मैश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक भी गुठलियाँ नहीं है इसमें, और बहुत अच्छे से मैश हो रहा है ये बिना छन्नी के ही। बस खाली एक बर्तन लीजिए, इसे घुमा दीजिए फटाफट। और अब मैं चलती हूँ, एक कटोरी कॉर्नफ्लोर लूँगी। एक कटोरी मेरा आलू था तो मैंने एक कटोरी कॉर्नफ्लोर भी लिया है बराबर में। अब इसको हम चलते हैं फटाफट अपना डो बनाते हैं, इसको मिश्रण कर देते हैं। और मैंने मिक्स कर दिया है पूरा अच्छे से, क्योंकि मैं इसे पानी नहीं डालूंगी, कॉर्नफ्लोर में तैयार हो जाएगा पूरा बढ़िया से। और देखिए दोस्तों, मेरा डो तैयार हो रहा है धीरे धीरे, और मेरा डो तैयार हो चुका है, क्योंकि बहुत स्मूथ बना है, बहुत स्मूथ है और आराम से एकदम टाइट। हमने कटोरी तेल रख लिया है, इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे। इसी मिश्रण से थोड़ी छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे, और ज़्यादा बड़ा बॉल नहीं बनाएंगे इसका, छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। और हम इसको ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो हमारा बॉल जो है मशरूम बहुत बड़े बड़े बनेंगे। हमने हथेली में तेल लगा लिया है ताकि चिपके ना, और इसी तरीक़े से हम सारे बॉल तैयार कर लेंगे अपने। और हमारे सारे तरफ बॉल तैयार हो चुके हैं, और हमने एक ढक्कन लिया है अभी, जैसे हम छोटे छोटे इसको इस तरीके से बॉल हमारा रेडी कर लेंगे। एक ढक्कन लिया है, ढक्कन से हम अपना बॉल मशरूम का शेप दे रहे हैं। अगर आपके पास अगर बोतल हो तो बोतल से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। मेरे पास ढक्कन था, मैंने ढक्कन से मशरूम शेप दे दिया है। और इसी तरीके से हम सारे अपने जितने मशरूम हैं सब बना के रेडी कर लेंगे। और हमने सारे बॉल्स बना के थाली में रख लिया, और ढक्कन को हमने तेल में डुबो लिया। अगर हम ढक्कन में तेल नहीं लगाएंगे तो हमारा चिपक भी सकता है, तेल लगाने से हमारा आराम से इसका मशरूम डिज़ाइन बन जाएगा। और आपके पास ढक्कन हो, देखिए दोस्तों हमने सारे मशरूम बना के रेडी कर लिया है। और हमने एक कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में पानी उबल आ चुका है, बहुत अच्छे से उबल रहा है हमारा पानी। और हमने जितने ही इसमें मशरूम बनाए हैं सबको एक एक करके हम इसमें डालेंगे। इस तरीका से हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने सब डाल दिया इसे मशरूम को, अब हम इसको ढक देते हैं। कम से कम इसको 5 मिनट में ढक देती हूँ, ताकि मेरा मशरूम अच्छे से जो पक जाए। और इसमें पकने की एक निशानी होती है कि हमारा मशरूम अगर पक जाता है तो ये ऊपर आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि हमारे मशरूम अच्छे से पक चुके हैं, जो मशरूम पटाटो है। और देखिए दोस्तों, हमारा अच्छे से मशरूम पटाटो पक चुका है, हमने ढक्कन हटा दिया है। अब इसको हम चलते हैं एक बर्तन में निकालेंगे, जो कि मैंने पहले से ही रख रखा है। इसमें बर्फ़ डाल के पानी, आपके पास ठंडा पानी उसमें डाल के इसको रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है। मैंने साइड में बर्फ़ रख रखा तो बर्तन में डाल के पानी, इसमें मैंने पानी में बर्फ़ डाल रखा जो कि ठंडा था, इसमें मैंने डाल दिया है।
ताकि इसकी कुकिंग जो है इसकी रुक जाए। मैंने गैस जला लिया, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो फॉर्चून के तेल में बना सकती हैं, पर मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी क्योंकि सरसों के तेल में बनाने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब मैंने लिया है एक चम्मच लहसुन, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और मैंने लिया है अब एक चम्मच प्याज, और मैंने लिया एक शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इन सबको डाल के अच्छे से भून लूँगी, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे खाली सिर्फ कच्चापन इसे ख़त्म करना है। अब हम चलते सारे सॉस डालते हैं। मैंने डाला इसमें टमाटर सॉस एक चम्मच, ब्लैक सॉस डाला है एक चम्मच, पिज़्ज़ा सॉस डाला है एक चम्मच, और ये मैं देखिए लाल मिर्च डाल रही हूँ एक चम्मच, जिससे कि इसमें कलर आ जाएगा बहुत अच्छा। अब इनको डाल के मैं अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत हल्का पकाना है इसको। अब इसको गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। मैंने जो मशरूम बनाया था, आलू मशरूम जो मैंने बनाया था, उनको मैं धीरे धीरे डाल देती हूँ इसमें, और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। इनको डालने के बाद इनको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, ताकि मेरे मसाले हैं जो आलू पटाटो बना रखा है उसमें अच्छे से मेरे मसाले मिक्स हो जाएं। और मैंने सारे मसाले इसमें डाल लिए हैं, ऊपर से मैं इसमें मैगी मसाला डाल रही हूँ, जिससे इसे डालने से बहुत अच्छा स्वाद और टेस्ट आता है। इसमें चिली फ्लेक्स भी डाला मैंने थोड़ा सा, और इसकी गार्निश करने के लिए मैंने हरी धनिया ले रखी है, उसको भी इसमें डाल देती हूँ। और मैं ढेर सारा धनिया डालूंगी इसमें, और उसको डाल के फिर अच्छे से मिला लूंगी, ताकि जो मेरे मशरूम पटाटो है इसमें अच्छे से मेरा मसाला लग जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। और ऊपर से मैंने वाइट तिल डाला है, सफ़ेद वाला तिल, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकती हैं, ऑप्शन है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसको स्किप भी कर सकती हैं आप। और मैं इसको डाल के अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, और आप देख सकती हैं कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर, और मेरा मशरूम पटाटो बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल। चलती हूँ इसे एक प्लेट में निकालूंगी, और मैं ये प्लेट में निकाल रही हूँ एक। हमारा मशरूम पटाटो बनके तैयार हो चुका है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं कोई नई रेसिपी डालूँ तो आपको तुरंत मिले।